दिल्ली एनसीआर वालों, पिकनिक स्पॉट देख रहे हो, आ जाओ चलो आपको एक बहुत बढ़िया जगह लेके चलता हूँ। ये है भाई वन जीप भी मिल गई है हमें यहाँ पे। ये देखिए भाई पूरा गांव वाला फील है यहाँ। खाना है ना वो वहाँ पे ना पर्दा फटा हुआ है, मेरे को उससे पार कर। गजब बस पता नहीं भाई मुश्किल ही जा पाएगी। चली गई ये। One, two, three. ये देखिए मैडम निकलते हुए। नहीं एकदम नॉर्मल बेस्ट है यार। Hey guys, welcome back to new vlog. I hope आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में ना आप कुछ खास ही होने वाला है और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से ना तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो लोकेशन भी है ना जो आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं आज वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या टिकट प्राइस होने वाले हैं, क्या टाइमिंग्स होने वाली है, वो सारी आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। और क्या क्या यहाँ पे खास है, क्या क्या आपको आने पीने के लिए और क्या क्या आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी यहाँ, पार्किंग और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए भाई ये है पूरी पार्किंग, यहाँ पे पूरी फुल हो रखी है। और एक और चीज़ भी है यहाँ पे, अगर आप कोई ड्राइवर लेके आ रहे हैं ना तो यहाँ पे रेस्ट रूम भी बना रखा है ड्राइवर्स लोगों के लिए। ये देखिए ये है मेन एंट्री लोहागढ़ की, सामने भाई बढ़िया टोप लगा रखी है बड़ी सी। और एंट्री होते ही ना ढोल नगाड़े के साथ आपकी एंट्री होने वाली है। तो स्टार्टिंग में ये लग जाएगा आपका टिकट एंट्री होते ही। चलिए भाई लोगों से जान लेते हैं क्या टिकट के प्राइस हैं। हाय भाई कितना करते हैं? चार जगह हेलो भैया लग रही है। हेलो सर, भैया जी टिकट्स के मुझे प्राइसेस बता दीजिए। सर एडल्ट्स का 1100 रुपये का टिकट है। okay. बच्चे का जी हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। लेस देन 3 फीट है कॉम्प्लीमेंट्री है। 3 टू 4 फीट का सर 600 रुपये का टिकट। 600 रुपये। और अभी ना वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे आपने प्राइजेस कुछ और कर रखे हैं 700। सर अभी डिस्काउंट चला रखा था। अच्छा तो ये कब तक है डिस्काउंट? ये अभी जनवरी है सर, अभी पूरी जनवरी चलेगा। ओके थैंक यू भैया। तो अभी तो ये जो अभी प्राइजेस है ना अभी डिस्काउंट चल रहा है, जनवरी में पूरा चलने वाला है ये डिस्काउंट। और इसमें ना मतलब क्या क्या इंक्लूड रहता है वो अंदर चल के आपको ना सारी चीज़ें दिखाएंगे। और मतलब बहुत कुछ है, बस आप एक बार अंदर आ जाइए और उसके बाद आपको एक रुपया नहीं खर्चना। जो है ये टिकट लेनी है आपको बच्चों के लिए है 600 रुपये की और बड़ों के लिए 1100 रुपये की। आ जाइए और मज़े बहुत होने वाले हैं। तो काउंटर्स में ना कुछ ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। देखिए भाई ये लैंडलाइन, और ये तो भाई बहुत ही पुराने ज़माने का है। टाइपराइटर रखा हुआ है, पुराने ज़माने का टीवी रखा हुआ है। इसमें पता क्या होता है, इसमें ना पहले कॉल्स कैसे मिलती थी, जैसे अगर ना आपको नंबर मिलाना है 1 तो ये पहले आपको 1 पे ऐसे करना है, फिर 9 पे करेंगे, फिर ऐसे वापस से 8 पूरा घुमाना पड़ता है, तब जाके ना इसमें नंबर डायल होता है। तो भाई एंट्री अपनी हो चुकी है और एंटर होते ही ना यहाँ पे आ गया भाई पनघाट। और ना पीछे बैकग्राउंड चल रहा है तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है भैया। जहाँ जहाँ पे ऐसे गाने चलेंगे ना वहाँ वहाँ पे हम शूट नहीं करने वाले हैं। और बाकी आपको ना इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या क्या आपको खाने के लिए मिलता है। भाई ये देखिए ये है पूरा देसी वाला, सामने देसी चूल्हा, तवा
रोटियां बन रही हैं, मक्के और बाजरे की, सरसों का साग, और ये है देखो टमाटर वाली चटनी। टेस्ट कैसा है? ऐसा बोल रहे हैं भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए भाई, यहाँ पे ना खाट बिछा रखी है, पूरा देसी लुक है यार। और यहाँ पे आप आराम करो मस्त, पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ है, और नीचे आराम करो भाई। ये देखिए, ये है चाय पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, गरम गरम दूध, जलेबी, गुलाब जामुन, जलेबी रबड़ी, और ये है पूरा का पूरा स्पेस। यहाँ पे बैठो और खाओ भाई, खाते रहो बस पूरे दिन भाई, खाना ही खाने का काम है यहाँ पे। आ जाओगे एक बार। तो भाई, बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए हमें ना ये कुछ चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे। और पहले ना बचपन में हम भी यार बहुत लगतू उस टाइम पे ना, आजकल तो पक्की पक्की सड़कें बन गई हैं सब सारी जगह। तो पहले क्या होता था, कच्ची सड़कें होती थी, जैसे कि ये है ना, तो ऐसे ही होता था। और हम भाई बचपन मतलब बचपन में ये लगतू घुमाते थे बहुत। ओ शिट, अभी पता क्या है, हमारे जो लट्टू होते थे ना वो अलग होते थे, और ये वाले है ना कुछ अलग ही है। इनकी कीलें ही वही टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, बट हम ट्राई करेंगे। ये भैया एक और बार ट्राई करने लगे हैं, जो भी मुझे पता नहीं हो पाएगा, तभी भी ये जान बुझ के अपनी बेइज्जती कराने में लगे हैं। ये देखिए भाई, राजस्थान की कल्चरल ड्रेस मतलब पहन के, और देख लो वाइट ड्रेस अप। एंड यहाँ पे ये वाला एरिया है ना जो पूरा भाई, यहाँ पे आप आइए ड्रेस अप करके अपना फोटोग्राफी करिए। ये देखिए यहाँ पे दो लेडीज़ तो यहाँ पे देखिए दो लेडीज़ डांस कर रही है भाई। मार्बल से कंचे ही है। तो ये देखिए भाई, बचपन में बहुत कंचे खेलता था मैं, और बहुत लेट तक मैंने ये कंचे खेले भी हैं। चल मैं मारू, रुक जा, रुक जा, पीछे मत आ, नहीं लगा। ओह यस, अब लग गया, थोड़ा पास से जरूर लगा है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, चलो 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 हथियार हो, हथियार रख लो, लड़ाई हो गई। कैमल राइड के लिए यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है, और हम भी लगे हुए लाइन पे, फिर हमारा नंबर आएगा, फिर हम भी जाएंगे कैमल राइड। वहाँ देखिए भाई, हो रही है कैमल राइड, वो आ रहा है वहाँ से कैमल। फाइनली अपना नंबर आ गया कैमल राइड का। यहाँ पे देखो जुगाड़ ऑटो, ये देखो ये यूपी राजस्थान अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के ना जुगाड़ ऑटो चलते हैं। और ये है डीजे नाइट, चलो भाई अपना गढ़वाली गाना चलवाते हैं। ये देखिए भाई, आराम बाग, यहाँ पे आराम करने के लिए मतलब जगह बना रखी है अलग अलग। ये देखिए, और यहाँ पे आपको भैया गेम्स मिल जाएंगे अलग अलग। ये देखिए, हाथ फॉर रिलैक्सिंग, स्विंग फॉर किड्स, इंडोर गेम्स मिल जाएंगे, चेस, कैरम मिल जाएगा, लूडो, स्नेक, लैडर्स। और यहाँ पे देखो भैया, गुड्डा गुड़िया, वो कठपुतली वाला जो खेल होता है ना, वो हो रहा है।
ये देखिए भाई, ये बच्चों के लिए मिक्की माउस वाला झूला। यहाँ पे खाली किड्स के लिए एंट्री है भाई, वहाँ पे बड़ों की एंट्री नहीं होती है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो बना रखा ना एरिया, ये पूरा रिलैक्स करने के लिए बना रखा है। ये देखिए भाई, ये वाला पूरा एरिया बना रखा है रिलैक्स रिलैक्स करने के लिए। और ये खाट है भाई, यहाँ पे अपना बैग उतारो आराम से, लेट जाओ। तो इतना आप घूम लोगे ना यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए, भाई खाट तो चाहिए, बढ़िया है। और देसी अंदाज में है, पूरे ऊपर पेड़ नीचे खाट। तो ये देखिए, इस टाइप के हट भी बना रखे हैं, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है। और ये देखिए हट भी बना रखे हैं यहाँ पे भी, आप ये दो खाट डाली हुई है, कुछ चेयर्स हैं यहाँ पे भी, आराम से आप खाना पीना खाओ, लाओ यहाँ पे और रेस्ट भी करो। बच्चों का है और हम यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा ट्रिक बुल, ये देखो जल्दी बैठ। लेंथी जरूर होगी, बट ना आपको मैं कोशिश करूंगा पूरी हर एक चीज दिखाने की। तो हर चीज अगर आप दिखाऊंगा ना तो यार वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो बोर मत होना यार। बोर वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ना हर एक चीज ना नई है आपके लिए देखने के लिए। तो इसमें देखिए भाई सामने, ये भैया रोक के ऊपर कुछ करतब करते हुए, और ये ना टोटली बैलेंस की गेम है। ये देखो ना लंबे लंबी टांगे। निशानेबाजी, चलो भाई चलते हैं निशाने मारने के लिए। चलो भाई ये देखो निशाना कहाँ लगता है, रेड 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 में। और मुझे पता है मिस होगा। यस मिस होगा, ये देखो यस। चलो देखते हैं कहाँ जाता है। ओए थोड़ा सा आ गया, नीचे जाना चाहिए था नीचे। Yes, देखो मेरा जो निशाना है ना वो वहाँ पे ना पर्दा फटा हुआ है, मेरे को उससे पार कर। तेरा ये कहाँ तक क्या है, ये देखिए भाई बास्केटबॉल गोल मारने के लिए, और ये आई अपने पास। तो भाई ये ना एक हाथ से जब मारने वाला हूँ, बस पता नहीं भाई मुश्किल ही जा पाएगी। चली गई ये, चलो 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 भाई। तीर कमान तीर कमान, हमारा तीर कहाँ लगता है, पर्दे पे। यस हम हमेशा पर्दे पे ही मारते हैं भाई। गुलेल और कंचे, गुब्बारा फोड़ना, गुब्बारा 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 फोड़ो, गुब्बारा फोड़ो, बॉल पे लगेगा सारी। ये अंकल से लगवा एक बार, नहीं लगा भाई नहीं लगा, पर्दे पे लगा। ये भैया के निशाने पूरे परफेक्ट लग रहे हैं भैया। गुब्बारा भाई, पांच गुब्बारे थे, पांच में से एक ही छोड़ा भाई। भैया के लग रहे हैं पूरे परफेक्ट, जिसमें बोल रहे हैं उसमें मार रहे हैं। मारो भैया स्थिर है, ये देखो भाई लग गया, ये वो वाली। भाई जो एक्टिविटी अभी करी ना, बास्केट और निशाना गुलेल, भाई मज़ा आ गया उसमें। और अब आ चुके हैं भाई ये सारे ना रोप एक्टिविटी हैं यहाँ पे। देखो ये डंडों के ऊपर मतलब चल के जाना है, ऊपर भी ऐसी है सारा, ये रोप वाला एरिया धीरे धीरे सारों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं भाई हॉन्टेड हाउस, तो कितना ड्रावना होने वाला है हॉन्टेड हाउस, चलो भाई चल के ही देखेंगे। तो आ जाओ भाई हॉन्टेड हाउस चलते हैं।
भाई ये आगे जाना है, ये क्या है झूला भाई, ये क्या है क्या यार, टॉर्च जलाएगा ये देखो भाई ये रोप थी ना यहाँ, तो मैं अभी ऊपर चढ़ गया था और ये लेडर है, ये लेडर देखो ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ रहा है भाई ये। ये देखो भाई ये पैदल ही ऐसे जिप में जाना है ऊपर, ये ऊपर ना रस्सी के सपोर्ट से नीचे है पूरी रोप, ये भी जा रहा है, ये हमारा बांदर ये ये अरे भाई छोटा ये क्या मजाक है नीचे गिरेंगे ओए मैं गिर जाऊंगा और गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा भाई ओए भाई ये गिरने वाला है ये ओए मत कर तो भाई ये वाली सारी एक्टिविटी है, ये भी अभी बहुत कुछ कर रहा है यार, अभी बहुत कुछ रह गया है, वीडियो भाई लंबी हो रही होगी, सॉरी 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 यार, बट आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर 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 ज़रूर कर देना भाई। तो भाई क्या मजा आ रहा है, क्या लग रहा है भाई, कैसा कैसा फील हो रहा है, दिल गार्डन में आडन हो रही है। अच्छा ये बताइए कि जैसे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं तो मैं क्या कहोगे कि यहाँ पे क्या ले आओ, कैसे करो, क्या करोगे यहाँ पे मैं हो गया बैंगन ये लो ना ये लो, हाँ ठीक है सपोर्ट हो गया बेटा1 2 3 ये तो फंस गए सेकंड आ गया भाई, चलो अब ना अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं भाई कितनी है, चलो भाई चलो 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 भाई मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे कोई तो नहीं, ये देखिए मेंढक निकलते हुए मेंढक तोड़ना पड़ना था करते हैं।
ये कैसे है अंदर अंदर कूदो और जिग-जैग करके पास करंट लगाओ, इसमें करंट पास होने चाहिए। अबे छूना नहीं। तो भाई ये वाला विनायक एरिया बड़ा मस्त है। ये देखो जिग-जैग पोल है, यहाँ पे भागते हुए चलो, गिरोगे ही गिरोगे, बैलेंस बना के चलोगे तो पहुँच जाओगे। और ये है देखो कितने सारे टायर, एक के बाद एक के बाद एक जाना है ऐसे। और भैया वो तो मस्त ही था कमांडो नेट तो। और इसमें वो तो यहाँ से चढ़ो उसके बाद भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना। मैं ना मैं भाई ये जो कमांडो नेट है ना, इसमें चार में से दो बार तो मैं जीता हूँ, पहले दो बार मैं जीता हूँ यस, पर दो बार हारा भी है ना, दो बार हारे भाई। यहाँ पे ले लिया है चैलेंज, वो पे स्टार्ट हो जाना है, 1 2 3 गो। सो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए पहाड़ी अरविंद आप देख रहे होंगे, भाई एक्टिविटी के तो बहुत मजे ले लिए अपना, भूख लगी थी तो खाने के लिए आ गए। और देखो भाई पूरा शादी वाला फील है, यहाँ पे ले लिया भाई प्लेट, और ये स्पून है, यहाँ पे अचार है, जो खाना है खाते रहो लेते रहो। ये देखो ये है पूरा सैलेड, और यहाँ पे ये है चटनी, ये वाली ज़रूर चटनी लेना मीठी वाली। चलो भाई हमारी ये प्लेट लग चुकी है, ज़्यादा कुछ नहीं बस एक दो चीज़ें लेके आए हैं चम्मच का, चलो भाई खा लेते हैं। भाई टेस्ट ऐसा है ना कि ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा मिर्च नहीं, एकदम नॉर्मल बेस्ट है यार। कैसे लगा वाकई में? बिल्कुल सही है, बड़ों के लिए छोटों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो भाई यहाँ पे देखो ये है चंपी मालिश, यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये बैठे हुए हैं और बढ़िया मालिश कर रहे हैं। चल भैया एक बार दिखा देते हैं, खाने पीने के लिए। भाई देखो ये हैं गन्ने, भैया इसके अंदर क्या है मूली दिखाना भैया एक बार ओपन करके। ये देखिए भैया ये है मसाले वाली मूली, और इसके अंदर मसालेदार गाजर, ये हमने ले लिया गन्ना। भाई ये देख रहे हो क्या मस्त मस्टीज ओपन एंड इज द हिंदुस्तान 60 ट्रैक्टर, एक और वहाँ पे ट्रैक्टर बीच में है भैया तोप, ये देखो भाई तोप।
तो भाई यहाँ पे ना देखो एक फर्स्ट एड एरिया भी बना रखा है, अगर आपको कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ भी मेडिकल असिस्ट चाहिए तो यहाँ पे मेरी मेडिकल की भी फैसिलिटी है। भाई अब जा रहे हैं हम खेत खलियान में, और स्टार्टिंग में ही ना ये चीज़ें देखो यार, ये कुछ ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटा सा दिख रहा हूँ मैं इसमें। चलो जी अब आ गए हम कैमल कार्ट में, और देखो यार ब्लॉक कार्ट भी है तो भैया एकदम देसी उसमें, और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है भाई लोहागढ़ फार्म। तो अब हम करने वाले हैं बैलगाड़ी की राइड, और ये हमें बैल आज कराएगी राइड। और यहाँ पे देखो बढ़िया कारपेट बिछा रखा है इसमें, वहाँ से देखिए आ रही है कैमल आ रहा है, तो ये भी हम करेंगे अभी। सबसे पहले हम ये वाली कर लेते हैं। तो भैया हमारी चल रही है ये आगे बैलगाड़ी, और हम सवारी बैठे हैं सब। तो भाई अब जा रहे हैं ज़िपलाइन करने के लिए, थोड़ा शाम का टाइम हो गया है तो बंद होने का टाइम भी हो रहा है, बट भाई कर लेंगे ज़िपलाइन। भाई ज़िपलाइन करने के लिए ना सबसे पहले ये बेल्ट बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बेल्ट। हाँ भाई अभी ना ये देखो ये पूरी टाइट हो गया है, जाए धन्यवाद। ओके भैया अब ये कहाँ अटक जाएगा, और इसके बाद ये है ना जो तार इसमें हम पूरा झूलते हुए जाएंगे। वो अटक गए उधर देख लिया, एक हाथ से पकड़ के कर सकते हैं ना, कर लिया दोबारा नहीं आ सकते क्या ऐसे जंप कर लूँ? हाँ जी अबे आ गए। लेमन स्पून रेस होती है, तो इसमें क्या करते हैं ना, स्पून होता है और लेमन होता है, लाइक स्पून होगा लेमन होगा और इससे फिर रेस होती है। तो ये देखिए क्रिकेट खेलना अलग अलग नेट भी हैं, क्रिकेट भी आप खेल सकते हैं यहाँ पे आप, और बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ भाई वॉलीबॉल खेलने। तो भाई काफ़ी मज़ा आ गया लोहागढ़ फार्म हाउस में, और थैंक्स मंदीप भाई का जिसने हमें फ्री एंट्री दिलवाई, हाँ जो भी डिस्काउंट दिलाया थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया, काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए। अगर आप वीकेंड्स में देख रहे हैं यार कहीं जाना है आपको घूमने के लिए बच्चों के साथ स्पेशली, तो सबसे बेस्ट जगह है ना है ना, हाँ बहुत अच्छी जगह है, लाओ अपने बच्चों के साथ आओ और बहुत मज़ा करोगे। हम नहीं हैं आपके बच्चे। तो यार अभी ना हम लेट हो चुके हैं और ट्रैक्टर ना बंद हो चुका है, अदरवाइज एक ये वाली राइड हमारी मिस हो गई, ऑल दो हमने सारा कुछ कर लिया। ये देखो ट्रैक्टर इधर आ गया, ट्रॉला वहीं पीछे छोड़ दिया इन्होंने, पर भाई बहुत मज़ा आया, बहुत फन करा, एंड स्पेशली जो रोप वाली साइड थी ना और जो वॉलीबॉल वाला था ना, सॉरी बास्केटबॉल वाला था, वो वाले में बड़ा हमने मज़ा किया, और रोप वाली साइड में जहाँ पे भूत बंगला होगा ना उस वाली साइड में बहुत मज़ा करा हमने, वॉलीबॉल से ही क्या था, और मज़ा आ गया। आओ भाई वेलकम टू लोहागढ़।
तो पहले के टाइम में ना ऐसे ही भैया कुएं में से, ये देखो ये है बाल्टी, ऐसे ना निकाला जाता था पानी, खींचो इसको खींचो इसको, ये देखो भाई। तो भाई पूरा फार्म हाउस घूम लिया और बहुत मजा आ गया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, पावर ना एकदम लो हो चुकी है इन लोगों की, तो इसलिए ना जान नहीं निकल रही, थोड़ा तेज के बोलो, मजा आ गया? बहुत आ गया मजा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन भी डाल दूंगा एंड टाइमिंग्स एंड ऑल सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, एंड कोई भी डाउट्स हो तो जरूर भाई कमेंट करके पूछ लेना और इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना भाई, बिल्कुल अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।